हेलो दोस्तों, मैं बादल, मैं नेहा, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल फिल्मी रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम पे बहुत प्यार बरसा रहे हो आप लोग, उसका धन्यवाद। इतना प्यार मिल रहा है दोस्तों आप लोगों की तरफ से, ऐसे ही प्यार देते रहे हमें, हम रिएक्ट करते रहेंगे आपके सजेशन पे। तो आज फिर से एक और सुपर से स्टेज शो का रिएक्शन लेके आ गए आपके सजेशन पे। हमने गाना भी नहीं सुना, गाना भी पहली बार सुनेंगे, स्टेज शो भी पहली बार देखेंगे। खेसारी लाल यादव जी का स्टेज शो है, इसमें जो गाना है वो है चुम्मा लेबे ना पिया। अब पता नहीं पिया को ऐसा क्या हो गया कि वो चुम्मा ना लेबे तो देखेंगे तब जानेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और स्टेज शो ओसम होने वाला है, क्योंकि जो इनका इंट्रैक्शन है ना पब्लिक के साथ, जो जुड़ाव है और जो इनका बात करने का तरीका है वो माइंड ब्लोइंग है सच में। मतलब लाइव शो में इतना अच्छे से ये लोग पब्लिक को हैंडल करते हैं ना, खेसारी लाल यादव जी बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, क्यों नहीं? फुल ऑन एनर्जी के इनके स्टेज शो होते हैं, फुल ऑन एनर्जी, और साथ में जो पब्लिक का इंटरेक्शन चलता रहता है बीच में वो माइंड ब्लोइंग होता है। मतलब उन लोगों को ऐसा फील होता है कि खेसारी लाल यादव हमसे बात कर रहे हैं। हाँ, बात कर मतलब रहे हमारी करते हर हैं बात, बात, मतलब हाँ। हमारी हमसे जैसे हर हाँ, एक बंदे को ऐसा आंसर मिलता है कि मुझसे ही बात कर रहे हैं, और पर्टिकुलरली हर बात का जवाब देते हैं वो, ऐसा उनको ऐसा लगता है, हमें भी ऐसा लगता है हमसे ही बात कर रहे हो। तो चलिए आपको बता देते हैं स्टेज शो किस किस ने सजेस्ट किया। मैं सजेस्ट किया है रंजन 78, सुभाष कुमार, रवि कुमार, संदीप दुबे, फिल्मी शॉर्ट्स, एमडी आबिद, अरुण शर्मा, विकास कुमार, अभी UP54 एंड अमन यादव। तो आप सभी का दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों। चलिए सुनते हैं, एंजॉय करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मोटिवेशनल है। और हम इंस्टाग्राम पे कर फॉलो, और नेहा का व्लॉगिंग चैनल है कहाँ पे? यहीं पे ही है, यूट्यूब पे, क्या नाम है? फिल्मी नेहा। और लिंक कहाँ पे उसका? डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और यूट्यूब पे ही है वो, फिल्मी नेहा नाम है चैनल का, आप सर्च करें और सब्सक्राइब कर लें अगर आपका मन करे तो। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं, एंजॉय करते हैं। मामा की वजह से डांसर पे प्रतिबंध लगा है, लेकिन खेसारी ने बोला डांसर करना जरूरी है। नहीं, सबसे तो मैं बुलाना चाहूंगा, हाँ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इन्हीं रिकॉर्डिंग डांस इन्हीं के साथ करेंगे। कि सवरिया निशा जी का और हमारा पुराना दोस्ती जी, बचपन का प्यार, मेरे भूल नहीं जाना। बुरा भाई खाली, पिछली बार हम लोग सब मिले थे, काफी लंबे समय से मुलाकात होती है, तो हम लोग किए थे होटल लाली से रोटी भूर के। पिछली बार हम मिले थे तो बहुत लंबा किए थे रिकॉर्डिंग की बात करें, बातचीत हो रही, बातचीत इसके लेवल बढ़ा के रखे भैया। हम लोग स्टेज पे लंबा किए थे कार्यक्रम, हंगामा कम हुआ था। आप लोग हल्ला मत करिए, बस बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसा क्या करने वाले हो कि बहुत मजा आएगा? खाना पीना फिर खड़ा हो जाइए। चलो इसके बाद गाना गाएंगे, रिकॉर्डिंग थोड़ा सा स्टेज खाली कर दो, आप थोड़ा सा स्टेज खाली कर, प्लीज प्लीज, सभी लोग सभी लोग जाए, स्टेज खाली कर, मंच खाली करें प्लीज। अभी आज एक मेरा गाना रिलीज हुआ है बड़ा तगड़ा, उसी को रिकॉर्ड कर दो। इसी जगह पे एक बार मैंने गाना बेट आउट रिलीज रिकॉर्डिंग डांस किया था और वो साल का सबसे बड़ा हिट गाना था, कि किकर से ले हम सना भता दे रही होली के बाद, कि देवरा तो कोई सहा कैसे रहो पे फगुआ भाई भता दे रही होली के बाद।
जितने लोग हैं अपने मोबाइल का फ्लैश जला दो, जला जला दो, पगले सारे फ्लैश जला दो और खेसारी की तरफ कर दो। बाद में पैसा दिए सर भाई, बाद में लगा दो आप लोग भाई, जहाँ का आनंद हो गए सब जगह शांत। लेकिन पता चल गया परफॉर्मेंस इतनी माइंड ब्लोइंग थी सच में, बहुत मजा आया। क्यों? और एक बात रियलिटी दिल से बोलूंगा, हमेशा बोलता हूँ और ये सच्चाई है भाई, इस लड़की की सारे एफर्ट खराब हो गए यार। मेरे को बोलना था ये, मैं वही बोल रही थी, आपने मेरे ध्यान ही नहीं गया यार। खेसारी लाल यादव इतना 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 अच्छा डांस करते हैं कि कसम से लड़की पे ध्यान नहीं गया, और ना ही वो इतनी अच्छी लग रही थी डांस करते जितने खेसारी लाल यादव के एक्सप्रेशन, डांस मूव्स, स्टेप्स, मतलब ऑसम ऑसम सच में। और मैं खास तौर पे बोलना चाहूंगा खेसारी भैया,
कभी हमारी वीडियो देखो तो प्लीज़ यार थोड़ा इतना अच्छा डांस मत किया करो, साथ वाले के बारे में सोचा करो उसका क्या होगा, आप स्पॉइल कर दोगे उस दूसरे को, ठीक है? क्योंकि आपके साथ डांस करता हुआ ऐसा लग रहा है बंदा कि उसे डांस आता ही नहीं, लेकिन मेरे को पता है उन्हें बहुत अच्छा डांस आता है इसलिए वो स्टेज पे है, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप थोड़ा यार हल्का डांस किया करो यार, थोड़ा देखा करो साइड वाले बंदे को, वो ना खो जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, यही खासियत है इनकी। हाँ, मतलब वो दिखाते ही है कि मतलब ये नहीं है कि वो सिखा सिखाया कर रहे हैं, उनको अंदर है, इनबिल्ट टैलेंट है इनके अंदर। जब वो गाना म्यूजिक के साथ बहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना जो गाना सुनते हैं तो अपने पैर नहीं टिका पाते उनमें से, और उनमें भगवान की तरह से एक ऐसा टैलेंट है कि वो बहुत अच्छा करते हैं, तो इसलिए वो बहुत बखूबी से निभा। दोस्तों थैंक यू सो मच इतनी अच्छी वीडियो सजेस्ट करने के लिए, इट वॉज माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा एक्सप्रेशन रहा, एक्सपीरियंस रहा हमारा, हमने बहुत एंजॉय किया। अगर आपको हमारे रिएक्शन पसंद आए, हमारे एक्सप्रेशन पसंद आए तो प्लीज चैनल कर लेना सब्सक्राइब, अगर आप जोड़ी अच्छी लगती है आपको, और ठीक है ना, वो माइक मैंने फिर से नेहा की लाइन चुरा ली, हमेशा ऐसे ही होता है, मैं जो बोल देता हूँ नेहा कहती है यही बोलने वाली थी मैं, फिर बोला क्यों नहीं, अब बोलने नहीं देते, मैं बोल अगर मैं बोलने दूँ ना आपको तो आप सारे गामा को सरी गामा बना देती हो, भाइयों को सबको पता है यहाँ पे, सारी ऑडियंस देखती है वीडियोज। तो दोस्तों आपने नहीं देखा तो नेहा ने एक वीडियो में सारे गामा को सरी गामा बना दिया है, जरूर चेकआउट करें, क्या कैसे याद रखते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों इसी के आता हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, कहते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय।